चलिए फिर, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक देखा था, राइट। अभी आज इस सेशन के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर लगने वाला पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता है तो आप हर जगह पे स्टक होते हुए जाओगे। पाइथागोरस थ्योरम आपको एकदम सही से आना ही चाहिए। जैसे अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम है क्या। पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम ट्रायंगल की दो तीन साइड होती है, राइट। मैंने यहाँ पे कुछ और ट्रायंगल बनाया है बट आप राइट एंगल ट्रायंगल मान के चलो। जैसे आपके पास ये वाली साइड है, फर्स्ट साइड है और सेकंड साइड है, तो आप फर्स्ट और सेकंड साइड से ये थर्ड वाली साइड को फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट और सेकंड साइड से थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हो, या कहने का मतलब ये हुआ कि आप पाइथागोरस थ्योरम से किसी भी दो साइड की हेल्प से तीसरी साइड फाइंड कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, तुरंत समझ में आए, ऐसा यहाँ पे इसका मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है और इसका मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर है और मुझे ये हाइपोटेनियस, जैसे मैंने आपको नाम बताया था, ये हमारा बेस होता है और ये परपेंडिकुलर पी, राइट। तो अगर आपको बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है और आपको हाइपोटेनियस ढूंढना है तो क्या कर सकते हो आप, हम क्या करेंगे उस टाइम पे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम का एक मेन फॉर्मूला है और उसके ऊपर से हम दो फॉर्मूले बना लेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से देखना इसको, पाइथागोरस थ्योरम। पहला फॉर्मूला तो ये है आपका कि अगर आपको हाइपोटेनियस ढूंढना है तो आप क्या करो, बेस और परपेंडिकुलर का प्लस कर दो, राइट। बट आपको नॉर्मली प्लस नहीं करना है, उनके स्क्वायर करते हुए प्लस करना है। और इसी ये आपका क्या है, मेन फॉर्मूला है। अगर आपको हाइपोटेनियस चाहिए तो आप क्या करो, बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को प्लस कर दीजिए, आपको हाइपोटेनियस मिल जाएगा। बट इसी से हमने दो और फॉर्मूले बनाए हैं। अगर आपको बेस चाहिए तो आप क्या करो, हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर को माइनस कर दो, या फिर आपको परपेंडिकुलर चाहिए तो आप हाइपोटेनियस में से बेस को माइनस कर दो, ठीक है। ये आपके क्या हुए, ऑक्सिलरी फॉर्मूलेज हुए, जिनको हमने कोर फॉर्मूले में से डिराइव किया। ये आपका मेन फॉर्मूला, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ वाले केस के अंदर, इस वाले क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए था, हाइपोटेनियस चाहिए था। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस क्या है हमारा, बेस है 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 3 स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हो गया 16, परपेंडिकुलर हो गया 9, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 25। आपको मैंने पॉलिनोमियल में सिखाया था ये स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट होगा तो स्क्वायर रूट बनाएगा। यहाँ पे आपके पास हाइट के दो आंसर आएंगे, +5 और -5। बट आपको मालूम है किसी भी ट्रायंगल की साइड माइनस में नहीं होती तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमारा हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, 5, राइट। इस तरीके से आप ट्रायंगल की कोई दो साइड को, दो साइड आपके पास हैं तो आप थर्ड साइड इसको ऐसे इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं,
इसको नाम देते हैं पहले ए बी और सी। यहाँ पे लिया है मैंने 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, और इस बार आपको क्या करना है, बेस फाइंड करना है, राइट। तो पहले तो हम मेन वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारा मेन फार्मूला क्या था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। बट मुझे इस बार बेस फाइंड करना है, तो मुझे परपेंडिकुलर को कहाँ भेजना पड़ेगा, इस साइड भेजना पड़ेगा। तो मेरे पास फार्मूला बन के आ गया, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच है हमारा 8, माइनस पी है 6, नाउ बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 36, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 64 में से 36 माइनस करोगे आप, एट आ गया, टू आ गया, 28। नाउ बी इज इक्वल टू हो जाएगा √28 सेंटीमीटर, राइट। सेम वे एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, यहां पे मैंने इस बार क्या लिया है, यहाँ पे मैंने 8 सेंटीमीटर लिया है और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिया है, और मुझे इस बार परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ए बी और सी। आसान है, आपको एलजेब्रा आना चाहिए और थोड़ा सा आपको लीनियर इक्वेशन का पता होना चाहिए। मुझे इस बार परपेंडिकुलर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और हाइपो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका मेन फार्मूला था पाइथागोरस, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस बार आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो बी जाएगा माइनस में, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच कितना था हमारा 10, माइनस बी कितना था हमारा 8, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, नाउ पी इज इक्वल टू √36, जहाँ से हमें दो वैल्यू मिलेगी, पी इज इक्वल टू माइनस 6 और पी इज इक्वल टू प्लस 6। साइड कभी माइनस में नहीं होती है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, और P इज इक्वल टू 6, राइट। मतलब ये हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन किया जाए। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, और इस बार आपको हाइपो फाइंड करना है, वही हम पहले लिखेंगे, हाइपो फाइंड करना है, पी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेन फार्मूला है, इसी से आप बेस का और परपेंडिकुलर का भी फार्मूला बना सकते हो। हाँ बोलो तक्स। हाँ वो आगे हम थोड़ा अभी आगे हम जाएंगे तो उसको थोड़ा नाम चेंज करेंगे, अभी के लिए हमारे लिए पी लिखना इजी रहेगा, क्योंकि बार बार आप ए बी बी सी लिखोगे इससे अच्छा वो थोड़ा इजी हो जाएगा। आगे जाके हम थीटा को डिस्कस करने के बाद इसका नाम थोड़ा चेंज करेंगे। सर ये भी एसी स्क्वायर वाला लिखे तो भी रॉन्ग ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हो आप। चलिए जैसे मैं लिख के दिखा दूँ आपको, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर, इसमें क्या होगा आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, वरना मेथड का आपका तो वही का वही है, सिक्स स्क्वायर ये तो बी सी धड़धड़ हो कितना है जाता एट है स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 36 प्लस 64, नाउ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ए सी इज इक्वल टू रूट 100, दो आंसर बनेंगे आपके ए सी इज इक्वल टू -10 एंड ए सी इज इक्वल टू +10। माइनस में कभी साइड होती नहीं है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ए सी इज इक्वल टू 10, यहाँ पे आपका 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका मेन कोर फॉर्मूला है, देखो ये आपका मेन फॉर्मूला तो है। हाँ तो है ना, स्कूल में ये वाला यूज करूँ या एच स्क्वायर वाला, कि मैंने देखा उसमें एस स्क्वायर था, तो मुझे तो ये एच स्क्वायर वाला ही लगता है, तो दोनों ये कैसा है, हमने इनको सिंबल दे दिया, ये बेस का बी ले लिया, हमने परपेंडिकुलर का पी ले लिया और हाइपो का एच ले लिया। देखो कोई गलत नहीं करने वाला है आपका, देखो दोनों में आंसर सेम आ रहा है आपका, ठीक है, वैसे कोई गलत है नहीं इसमें। सिंबल लेते हो तो क्या होगा कि आपका समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा और आपका आंसर तुरंत निकलेगा। देखो दोनों में आंसर तो सेम ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। वो आपके ऊपर जाता है कि आप किस तरीके से उसको लिखना चाहते हो। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखो, बार बार ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर लिखना, इससे अच्छा एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर पर तुरंत खत्म। हाँ सर, उसमें कन्फ्यूजन भी बहुत होता है। हाँ, और आपको ए सी बी सी ए सी ऐसा लिखना पड़ेगा, इसमें आपको क्लियर दिख जाएगा कि नीचे है तो बेस और राइट एंगल बना रहा तो परपेंडिकुलर, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूस। तो आपको कौन सी मेथड कन्वीनियंट लगती है वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, दोनों मेथड सही है, किसी को ए सी वाला मेथड सही लगता है, किसी को एच स्क्वायर लगता है, लगा सकते हो आप, दोनों में आंसर आपका सेम ही आने वाला है। चलिए तो ये तो हो गया कि हम पाइथागोरस कैसे लगाएं, और पाइथागोरस से हमारे पास दो साइड होती हैं तो हम थर्ड साइड को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये अभी हमने डिस्कशन किया। होप्स तो आपको सबको आ गया है कि थर्ड साइड कैसे फाइंड करना है, वैसे ये बात आपके लिए नई नहीं है, क्लास सेवन में एट में और नाइन में आपने ये मेथड को काफ़ी टाइम यूज़ भी किया है, इवन हमने जो हिरन्स फार्मूला का चैप्टर किया था उसमें भी आपने ये मेथड काफ़ी टाइम आपने उसको एप्लीकेबल वहाँ पे भी किया था। तो इतना कुछ ऐसा नहीं कि आपको बिगिनिंग यहीं से करनी है या आपको पहली बार मेथड देखना, ऐसा कुछ नहीं, फिर भी ये कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आगे और भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ओके, यहाँ पे देखा जाए तो ट्राइंगल है, उसके टोटल टोटल हमारे पास थ्री साइड्स हैं, राइट, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस। अभी आप इनको कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हो, अभी आप इनको कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हो, या आपस में ये तीनों साइड आपस में डिवाइड होकर कितनी बार कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। देखिए मैं कुछ कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पी को एच से डिवाइड कर रहा हूँ, फिर मैंने क्या किया, बी को एच से डिवाइड किया, फिर मैंने क्या कर दिया, पी को बी से डिवाइड कर दिया, और सेम वे वापस मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मैंने कुछ किया ना उसका उल्टा कर दिया, मैंने एच को पी से डिवाइड किया, फिर एच को बी से डिवाइड किया, और फिर बी को हमने पी से डिवाइड किया,
क्या इन छः डिवीज़न के अलावा या इन छः रेसों के अलावा आपके पास कोई और कॉम्बिनेशन है नो या कुछ डिवाइड करने में छूट गया हो या किसी का साथ किसी के साथ डिवीज़न नहीं हो रहा हो, कोई छूटा हो, ऐसा कुछ है? क्योंकि नो देखो आपके पास तीन साइड है, ठीक सर। है, तीनों साइड को एक दूसरे से डिवाइड कराओगे तो आपको 3 2 6 टोटल आपके पास 6 कॉम्बिनेशंस आएंगे। 6 से ज़्यादा कोई कॉम्बिनेशंस बनने वाले नहीं हैं। और यहाँ पे मैंने आपको सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं ना बना के दिखा दिए। देखो पी को एच से भी डिवाइड कर दिया, बी को एच से डिवाइड कर दिया, फिर पी को बी से डिवाइड कर दिया, फिर जो था उसका उल्टा कर दिया, एच बाई पी कर दिया, एच बाई बी कर दिया, और फिर हमने बी बाय पी कर दिया, राइट? ठीक है, अब आप देख सकते हो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इधर मान लेता हूं कि ये है वो क्या है हमारा थीटा है और ये हमारा 90 डिग्री। अच्छा तो अब मुझे बताना कि थीटा के लिए ध्यान से यहां से आपके फॉर्मूले बनेंगे। थीटा के लिए पी क्या है या थीटा और पी आप देखोगे ना तो थीटा के एग्जैक्ट सामने पी है, मतलब बोल सकते हैं कि पी इज अ अपोजिट ऑफ थीटा, ऐसा बोल सकते हैं हम, पी इज अ अपोजिट ऑफ थीटा। और अगर आप बात करोगे थीटा और बी की बेस की तो यहां पे बेस है वो थीटा के एकदम बाजू में है या उसके बेस के ऊपर ही हमने थीटा बनाया है तो हम क्या बोलेंगे, बी इज अ एडजेसेंट ऑफ, ऑफ थीटा। जहां किसी को कोई परेशानी है, देखो पी कैसा है, थीटा के एकदम सामने है, देख सकते हो आप, पी कैसा है थीटा के एकदम सामने है और बी कैसा है थीटा के एकदम बाजू में बैठा हुआ है, उसका पड़ोसी है, उसका नेबर है, उसके एकदम एडजेसेंट में है। और इनको तो हम जानते ही हैं, ये कौन है, ये हाइपोटेनियस है, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है कोई कुछ बोलना चाह रहा है यहाँ पे? सर एक बार फिर से समझाओ ना सर, यहाँ पे आपकी, हाँ एक बार फिर से यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो पी मैंने लिखा है वो पी है वो थीटा के एग्जैक्ट कैसा है, अपोजिट में है, सामने है। आपका जो परपेंडिकुलर है वो थीटा के कैसा है, एकदम से सामने है। और आपका जो बेस है वो थीटा के एकदम बाजू में है, मतलब क्या लिखा मैंने, एडजेसेंट लिखा। परपेंडिकुलर कैसा है, थीटा के अपोजिट में है, और बेस है वो थीटा के एडजेसेंट में है। नहीं समझ में आया? नो सर, नो सर। आप कोई ट्रायंगल ले लेते हो, जैसे यहाँ पे मैंने ट्रायंगल लिया और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थीटा, और यहाँ पे लिख लिया मैंने एक्स, और यहाँ पे लिख लिया मैंने वाई, ठीक है? तो थीटा के अपोजिट में कौन है? थीटा के अपोजिट मतलब बिल्कुल सामने कौन? एक्स है। और थीटा के एडजेसेंट, थीटा के एडजेसेंट मतलब उसके बाजू में, कौन है? वाई है।
ठीक है, एक और एग्जांपल लिया जाए। चलो मैंने इस बार क्या ले लिया, बीटा ले लिया, यहाँ पे मैंने बीटा ले लिया, और यहाँ पे ले लिया मैंने एम, और यहाँ पे ले लिया एन। तो मैं क्या बोलूँगा, बीटा के अपोजिट कौन, बीटा के अपोजिट में कौन है, अपोजिट मतलब सामने, कौन है अब सामने, एम, और बीटा का एडजेसेंट, उसके बाजू में कौन बैठा हुआ है, बीटा के बाजू में कौन है, एन, और ये तो हमारा हाइपो हो जाएगा। लॉन्गेस्ट साइड तो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, हाइपो का कुछ नहीं होता, हाँ बताओ, हाइपो का कुछ नहीं होता, हाइपो का कुछ रोल नहीं है, उसमें कुछ रोल नहीं होता, हाइपो का उसमें कुछ कुछ रोल नहीं होता। नहीं 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 थीटा के अकॉर्डिंग हाइपो को हम कुछ कंसिडर नहीं करते हैं अभी, तो उसका अपोजिट, एडजेसेंट और अपोजिट कुछ नहीं होगा उसका, एडजेसेंट और अपोजिट कुछ नहीं होगा उसका। नहीं, एडजेसेंट और अपोजिट किसके होते हैं, एंगल के होते हैं, जैसे यहाँ पे बीटा लिया है, यहाँ पे थीटा लिया है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल करके दिखा दूँ मैं आपको, यहाँ पे मैंने अल्फा ले लिया, चलो यहाँ पे मैंने अल्फा ले लिया, और यहाँ पे लिया है मैंने ए, और यहाँ पे बी, तो अल्फा का अपोजिट क्या बनेगा, अल्फा का अपोजिट कौन बनेगा, ए, और अल्फा का एडजेसेंट कौन बनेगा, अल्फा के बाजू में कौन है, बी, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। क्या ये बात सारे बच्चों को, क्या ये बात सारे बच्चों, कोई एक एक पर्सन बोलो, हाँ बताओ, सर और ए और बी की जगह कोई वैल्यू रखी हो तो। अच्छा चलिए बिल्कुल सही, रुको रुको एक मिनट, जैसे मान लिया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे एंगल लिया है हमने थीटा, तो मैं क्या लिखूँगा, थीटा का अपोजिट क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर, और थीटा का एडजेसेंट क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हाइपो हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब समझ में आ रहा है थोड़ा कुछ, हाँ सर, थीटा का अपोजिट मतलब उसके सामने, और थीटा का एडजेसेंट मतलब उसके बाजू में, समझ में आ रहा है, यस यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं यस है। सर, अपोजिट बोला मतलब बिल्कुल सामने देखना है, और एडजेसेंट बोला मतलब उसके बाजू में कौन देखना है, बात को समझ रहे हो, हाँ सर, ठीक है, फिर बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो P है वो कैसा है, थीटा के सामने है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, ऑपोजिट बाय हाइपो, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम, अरे एक बार यस और नो तो बोल दो, सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पे हम उल्टा लिख देंगे उसको, हाइपो बाय ओपो, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे बेस, बेस बी कैसा है, थीटा का एडजेसेंट है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एडजेसेंट अपॉन हाइपो, सेम वे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाइपो अपॉन एडजेसेंट चलिए, और यहाँ पे देख सकते हो P कैसा है, अपोजिट है, और B कैसा है, एडजेसेंट है,
यहाँ पे उल्टा हो गया है एडजेसेंट और यहाँ पे ऑपोजिट, ठीक है। अब ये सारा कुछ हमने ऑपोजिट एडजेसेंट किसके बेस पे लिया है, थीटा के बेस पे लिया है, ठीक है, थीटा के बेस पे लिया है। और भाई देखो आप कितनी बार ओपो बाय हाइपो, ओपो बाय हाइपो, हाइपो बाय ओपो, एडजेसेंट बाय हाइपो, हाइपो बाय एडजेसेंट, आप कितनी बार ऐसा बोलोगे। तो इसको बोलने के लिए आप इजीली इसको बोल पाओ, इसीलिए क्या किया है, इनको नाम दे दिया गया है कि अगर आपको हाइपो बाय ओपो बाय हाइपो बोलना है, तुरंत बोलना है, तो आप इसके लिए क्या यूज़ करो, एक वर्ड यूज़ कर लो, साइन। जैसे ही आप साइन बोलोगे तो सामने वाले को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आप ऑपोजिट बाय हाइपो की बात कर रहे हो। जैसे ही आप एडजेसेंट बाय हाइपो की बात करोगे तो आप क्या करोगे, कॉस, ठीक है। जैसे आप ओपो बाय एडजेसेंट की बात करोगे तो हम क्या बोलेंगे, टेन, राइट। जैसे ही आप इसके उल्टे रेशो की बात करोगे यहाँ पे तो आप क्या कहोगे, कॉसेक, यहाँ पे कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। बट ये सारा खेल अपोजिट एडजेसेंट हमने किसके बेस पे लिया था, थीटा के बेस पे लिया था। तो आपको बताना पड़ेगा कि किसका अपोजिट लेना है या किसका हाइपो लेना है या किसका एडजेसेंट लेना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि थीटा के अपोजिट या थीटा के एडजेसेंट लेना है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। थीटा आपको बताएगा कि किसका अपोजिट और किसका एडजेसेंट लेना है, और टेन का मतलब होता है ये डिवीजन। जैसे ही आपने टेन बोला तो सामने वाला समझेगा कि आप ऑपोजिट एडजेसेंट की बात कर रहे हो, बट किसका ऑपोजिट लेना है, थीटा का ऑपोजिट लेना है। जैसे ही आपने कॉस बोला तो सामने वाला समझेगा कि आप एडजेसेंट बाय हाइपो की बात कर रहे हो, बट किसका एडजेसेंट लेना है, थीटा का एडजेसेंट लेना है। जैसे ही आप साइन की बात करोगे तो सामने वाला समझेगा कि आप ऑपोजिट बाय हाइपो की बात कर रहे हो, बट किसका अपोजिट लेना है, थीटा का अपोजिट लेना है। बात समझ में आ रही है? यस यस, बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। अब इससे आसान भाषा नहीं हो सकती ट्रिग्नोमेट्री समझाने के लिए। सर आप समझ समझ, ठीक है। ये थीटा कोसेक थीटा, अब इसे देख लो बच्चे क्या करते हैं, ये वर्ड सुन के मतलब थोड़ा वो मतलब ट्रबल फील करते हैं दिमाग में और क्वेश्चन छोड़ देते हैं। भाई इसमें से जो क्वेश्चन निकलते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन निकलते हैं, तुरंत आंसर आता है फॉर्मूले के बेस पे। ये आपको मार्क्स देने वाला स्कोरिंग चैप्टर है, आप इससे घबराओ मत, बस और कुछ नहीं। ये साइन कॉस टेन, ये वर्ड वर्ड का मीनिंग आप समझ लिए अभी। टेन का मतलब ये क्या है कि एक उन्होंने मतलब बोलने के लिए आसान कर दिया, आपको बार बार एडजेसेंट हाइपो एडजेसेंट हाइपो एडजेसेंट हाइपो ना बोलना पड़े, आप क्या कर दो, कॉस बोल दो। जैसे ही आपने कॉस बोला तो कॉस का मतलब क्या हो गया, एडजेसेंट बाय हाइपो हो गया, ठीक है। जैसे किसी लड़के का नाम राजेश है तो उसके फ्रेंड लोग क्या बुलाते हैं, राजू बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि राजेश राजेश बहुत बड़ा नाम है, उसको क्या कर दिया, राजू बोल दिया। जैसे ये वाला रेशो भी बोलने में बहुत डिफिकल्ट है, एडजेसेंट हाइपो एडजेसेंट हाइपो एडजेसेंट हाइपो, क्या बार बार ऐसा बोलना, इससे अच्छा कॉस बोल दो। तो सर बट किसका एडजेसेंट लेना है, आपको थीटा के एडजेसेंट लेना। सर क्वेश्चन पूछा, हां बोलो सर क्वेश्चन पूछा, अगर थीटा पैरेलल हो, पैरेलल के बाजू में होता और बेस के अपोजिट होता तो ये सब चेंज नहीं होता, हाँ सारा कुछ चेंज होगा। ये सारा कुछ हमें घुमा फिरा के अभी कैसे कैसे आ सकता है वो सारी बातें हम चर्चा करने वाले हैं। अभी सिर्फ 4 मिनट का टाइम बचा है इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। 10 मिनट के बाद ब्रेक के बाद आप वापस आओ, उसके बाद घुमा घुमा के हर चीज़ को हम देखेंगे कि किसका क्या बनने वाला है।
ठीक है, इसके बाद का जो सेशन होगा उसमें हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ यही बातें डिस्कस करने वाले हैं कि थीटा को अगर यहाँ रखा तो क्या होगा, थीटा को अगर यहाँ रखा तो क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 10 मिनट के अंदर ये फॉर्मूले याद कर लो, साइन मतलब अपो हाइपो, कॉस मतलब एड हाइपो, टेन मतलब अपो एडजेसेंट, ये आप फॉर्मूले लर्न कर लो ताकि नेक्स्ट वाला सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। 10 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ, 9:20 हुई है, वापस हम एग्जैक्ट 9:30 को मिलेंगे। हाँ, 9:20 हो रही है, एग्जैक्ट 9:30 को मिल रहे हैं हम। चलिए फिर ब्रेक ले लो जल्दी से। ओके सर।